की जोरदार तालियां। अब अंकल जी का प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अंकल जी आपका नाम क्या है? लॉरेंस। कहाँ से आए हैं? मैं बलरामपुर से आया हूँ। ये बलरामपुर से आए हुए हैं, आपकी परेशानी क्या है अंकल? शुगर है और आपकी रोशनी खत्म हो गई है। किडनी भी फेल है। इनका किडनी भी फेल होने वाला है, आपका रोशनी खत्म हो रहा था और शुगर भी है। तो अंकल ये शुगर कितने दिन से आपको? 3 साल से सर हो गया। ये 3 साल इनका शुगर 14 साल हो गया है। तो अभी इनका शुगर जब तक हम लोग यहाँ आने शुरू किए हैं तब से इनका शुगर कंट्रोल है और जो घाव भी था वो भी छूटने जा रहे हैं। शुगर की वजह से इनका पाइप भी देख रहे हैं कटा हुआ है, जिससे कि इनका ब्लड और पानी सब जो यहाँ पे आए हुए थे ये पूरा चलते थे तो लग जा रहा था फर्श में। तो यहाँ आते हुए कितना दिन हुआ अंकल आपको? आज छठवा दिन है। लेकिन आपको जो फायदा हुआ इस पानी में आंटी, अंकल को कितने दिन में हुआ? 3 दिन में इनका जो पस और ब्लड निकल रहा था वो 3 दिन में सूखने लगा। और आंख में ये भी बताइए कि आंख में क्या परेशानी इनको? आंख में रोशनी उसका कमजोर हो गया है, लेकिन यहाँ 3 दिन के बाद में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। इनको आंख की रोशनी में भी सुधार हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां। किडनी का क्या प्रॉब्लम है आंटी इनका? किडनी का जो कैसा लग रहा है आपको पहले से? पहले से कुछ स्वस्थ लग रहा है, दिमाग है। अच्छा, यानी पहले इनको जो टेंशन टाइप से लगता था अभी इनको शांत लग रहा है, शांति महसूस हो रहा है। यानी इनके जख्म में भी सुधार काफी हो गया है और आंख में भी सुधार हो गया है, यानी कि आज छठवां दिन है। और इनको जो घबराहट बेचैनी टाइप से लग रहा था वो भी शांत लग रहा है, यानी कि अच्छा महसूस हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां। अगर ये सरजम नहीं आते तो नहीं होता। लेकिन सिराजन में आकर के सबसे मेन इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि इन्होंने रीढ़ की हड्डी का देख रेख किया, स्पाइन मैनेजमेंट किया, सही है ना? जोरदार तालियां। थैंक यू।